फैशन इंडस्ट्री स्टॉलफर्ड द्वारा आगामी ब्यूटी प्रेजेंट शो ऑफ इंडिया स्वाति कनोडिया गौतम कनोडिया अभिनेता मॉडल और फैज अली अभिनेता और मॉडल गौतम नयन फैशन डिजाइनर अब्दुल रहमान के बारे में आयोजित एक घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को संबोधित किया। फैशन उद्योग के आकांक्षी मिस स्वाति कनोडिया गौतम कनोडिया और श्री अरुण चौधरी ने भारत की सबसे ग्लैमरस और सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा की। ग्रैंड होटल शो के लिए एक स्थल भागीदार होने के लिए अपार समर्थन और खुशी दिखाता है। विभिन्न आयु वर्ग के सभी अभिनेत्री अब प्रसिद्ध शो के में अलग ले सकते हैं, जहां विजेताओं को एलीट मिसेस इंडिया एलीट मिस्टर एंड मिस इंडिया एलीट मिस और मिस टीन इंडिया जैसे खिताबों से नवाजा जाएगा। आइए देखिए हमारे संवाददाता सोहेल खान की खास रिपोर्ट। ऑल ओवर इंडिया में जब हम जाएंगे तो तरह तरह के सेलिब्रिटीज को इन द फील्ड ऑफ आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स सबको हम लेके जाएंगे। लास्ट टाइम वी ऑल्सो हैड ज़ोया अफरोज देन ज़रीन खान एंड इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी पेजेंट एंड ऑल्सो दीपा मलिक जी एज वेल लास्ट टाइम वी हैड इन वन ऑफ आवर शोज। सो इन द आर्ट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर वी आर टेकिंग जूरी फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। मिसेस इंडिया इज लाइक गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू हाउस वाइफ्स। काफ़ी ऐसे वी हैव गॉट हाउस वाइफ्स एंड मैरिड वुमेन who have left their studies, who have left their career, and the midwives who are not able to pursue a career in the field of arts, culture, and entertainment. So we are coming up with this beautiful concept ki har ek grihani ko, har ek housewife ko chance mile. Ye ek motive hai, first. And the second motive is also Mr. and Miss Teen. Jitne bhi hamare teenagers hai, normally Femina Miss India, Peter England Mr. India mein 21 plus umar hoti hai, but we are also giving 19 अंडर 18 उम्र के जो बच्चे हैं लड़के लड़कियां हैं उनको भी हम चांस दे रहे हैं। सो वी आर हैविंग दिस टैगलाइन ऑफ मिस्टर एंड मिस इंडिया टीन्स एलीट टीन्स। अगर कोई बहुत ज़्यादा आर्ट में इंटरेस्टेड है, कोई डांस है, कोई सिंगर है, उसके टैलेंट के बेस पे हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, मतलब डेफिनेटली हम उसको आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। नहीं, प्राइस मनी ये सब तो धीरे धीरे सब डिस्क्लोज हो जाएगा, पर करेंटली हम उसको आगे लेवल तक लेकर जाएंगे। वहीं पे स्टॉप उनका करियर एक मिस एंड मिस्टर इंडिया पे स्टॉप नहीं होगा। उनके टैलेंट जो भी उनका टैलेंट होगा उसके बेसिस पे उसी लाइन में हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे वो आगे अपना करियर बना सकें। कम से कम मिनिमम दे हैव टू यू नो गेट ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स, 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। एक स्किल्स एनालाइजेशन की, एक परफेक्ट फिजिक एंड पर्सनालिटी की, एक आईक्यू लेवल होता है जो आईक्यू जनरल नॉलेज एंड आईक्यू, देन एक ड्रेसिंग सेंस टेबल मैनर्स। सो सिर्फ हम खूबसूरती नहीं देख रहे हैं, वी आर ऑल्सो सीइंग ऑल राउंड पर्सनालिटी इन एवरी इंडिविजुअल। टीन का तो अराउंड 13 प्लस होता है, 13 to 19 या उसमें टीन कैटेगरी में आते हैं। सर आपसे एक क्वेश्चन बनता है, जी यूथ आना चाहते हैं इस लाइन में, जी जी, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी है? हाँ, मेरी एज के अगर कोई आना चाहेंगे अपॉर्चुनिटी तो बहुत है इस लाइन में, अगर तुम मेहनत करोगे और फोकस रहोगे। लाइक अभी मुझे भी 6 साल हो गए इस लाइन में, एंड देन मैं भी अभी वेब सीरीज आने वाली है सलमान खान प्रोडक्शन से, और मे बी दिस मंथ 15 को आ जाएगी वो। तो अगर इस लाइन में आएंगे तो हमारे सर ने और हमारी मैम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, और मेरे टाइम पे तो शायद नहीं था, अब अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप करना चाहो तो डेफिनेटली बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। चमचमाती दुनिया में जाना तो बहुत जिंदगी चाहती है, लेकिन वहाँ पर जाके वो सक्सेस नहीं मिल पाती, रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आप स्ट्रगल करोगे तो मे बी शायद उसके अंदर आप सक्सीड भी पाओगे, आप उसके अंदर सक्सेसफुल होगे डेफिनेटली। सो मेन फोकस है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर, तो आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल आप होगे होगे। आप यंग पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे, कैसे आए और कितना स्ट्रगल करेंगे? सर ये जो तरीके होते हैं ना, व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग, ओके आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्लैट्रेक्स, तो जो पेजेंट होते हैं, जो भी इस तरह के शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। तो ये प्लेटफॉर्म से ना आपको बहुत लाइफ में इजी हो जाती है चीज़ें, आपको लोग आते हैं, एजेंसी टाइप करते हैं, उसके साथ प्रोडक्शन का टाइप करते हैं, तो वो लोग पहुँचे कैसे वहाँ तक, तो ये चीज़ें रास्ते ये चीज़ें लेके जाती हैं आपको वहाँ तक, आपके लिए वो सफ़र इजी हो जाता है, यू नो। तो आप एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप पेजेंट करते हो वहाँ, सब फर्स्ट रनर अप टाइटल जीतो, सेकेंड थर्ड,
तो यू नो यू कैन गेट अ लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम देयर, तो विच इज़ ईजी, आपका फोकस हो, आपको जो स्ट्रगल है जेन्युइन हो, यू नो, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, रास्ता मिलता है आपको। पहले का ज़माना था कि लोग ग्रेजुएशन कर लिया फिर करियर बन गया, स्कूल पास आउट कर लिया फिर करियर की प्लानिंग करते हैं, बट आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज से ही करियर की प्लानिंग करती है। इवन वी कैन से कि 3 स्टेज से ही करियर की प्लानिंग शुरू हो जाती है, बड़े होकर ये करना है। तो हम उनको ये प्लेटफॉर्म बहुत इनिशियल लेवल पे देना चाहते हैं। अगर किसी को मॉडलिंग में जाना है, बॉलीवुड में जाना है, तो अगर वो अपने इनिशियल स्टेज से ही प्रिपेयर होकर चलेंगे। इससे पहले आपने कभी कोई कॉम्पिटिशन ऐसा कराया है या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं? सर ने तो बहुत सारे कराए हैं। हम लोग एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं टिकटॉक की जैसे ही है, वो RDX7 करके, जिसके हम लोग की प्लानिंग है कि कई सारे वेब सीरीज बनाना, मूवी बनाना, जो हमारे ऐप में भी जो स्टार होंगे, जो इसके स्टार होंगे, टैलेंट अगर उनके अंदर है तो हम लोग, हर प्रतिभा हर आदमी के अंदर छिपी हुई है, उसमें हम लोग उसको रोल में ला के उसको टैलेंट को आगे लाएंगे। जो हम लोग का टारगेट होता है वो फैमिली मूवी या फैमिली बैकग्राउंड के साथ ही रहना चाहिए। कल्चर आपको ऐसा डेवलप करना है कि हम लोग इंडियंस हैं, इंडियन के अकॉर्डिंग करें, इंडियन के अकॉर्डिंग बैठे, तो हमारा सोच, हमारी कल्चर उसके अकॉर्डिंग है। ये टैलेंट भी है, खूबसूरती भी है, जो साड़ी में जितनी खूबसूरती लगती है, जितनी वेस्टर्न में लगती है, वो टैलेंट को ले कर चलना है अपने को, कि फैमिली के साथ भी जाए या प्रोड्यूसर है, मूवी है, मेरी मूवी जो होगी अच्छी फैमिली मूवी होगी या वेब सीरीज होगा, सिक्वेंस हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, कॉमेडी हो सकती है, तो टैलेंट आपके ऊपर है कि आप कैसे जाना चाहते हैं। कोई भी अगर बड़े कलाकार हैं तो कभी ना कभी छोटे थे, ठीक है, बड़ा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी उनके बड़े हो सकते हैं। तो हम भी यही चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, या कोई भी आदमी, हर आदमी यही चाहता है कि टैलेंट हमेशा ऊपर आए। हम भी यही चाहेंगे हमारा भी टैलेंट ऊपर आए, जो हमसे लोग जुड़े हैं, जिनके साथ हैं, जो अच्छी प्रतिभाशील लोग हैं, वो भी ऊपर आए। और कोई ऐसा, हर टैलेंट अपने आप में ही होता है कि जो बाद में दिखाई देता है, आपको उभरने की ज़रूरत है। मैम, आपके हिसाब से एक मॉडल में क्या होना चाहिए? कंप्लीट पर्सनालिटी, पर्सनालिटी नॉट इन ओनली अ इनर बेसिस बट अ आउटर बेसिस ऑल्सो, लाइक अ गुड IQ लेवल, अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, अ गुड पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, सब कुछ होना चाहिए। डैट्स वाई तो ये चीज़ है, बिकॉज ऐसे जज करना तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, इतने सारे राउंड ले रहे हैं, सेमीफाइनल, फिनाले, तो वो कम्प्लीट जज करने के लिए तो